रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के परागमन के साथ नौतपा की शुरुआत हो गई। नौतपा या नौ गर्म दिनों की अवधि जब पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा। आज सूर्य ने सुबह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया। शुक्र ग्रह के डोमेन में रोहिणी चंद्र चंद्रमा का नक्षत्र है और व्यापक रूप से सुखदायक प्रभाव के लिए जाना जाता है, जबकि सूर्य इसके विपरीत है और जल का प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए जब सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करता है तो यह सभी शीतल प्रभाव को दूर करने के लिए जाता है। नौतपा के पीछे वैज्ञानिक कारण पृथ्वी की सतह पर सूरज की सीधी किरणें हैं। इन नौ दिनों के दौरान आपको वातावरण में अतिरिक्त साधारण गर्मी का अनुभव होगा। सूर्य इस नक्षत्र में 15 दिनों तक रहेगा, लेकिन केवल शुरुआती 9 दिन सबसे कठोर होते हैं और इसीलिए इन्हें नौतपा कहा जाता है। नौतपा में असहनीय गर्मी होगी। 30 मई को शुक्र का दहन होगा और फिर आपको इस गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। कुछ बेमौसम बारिश भी हो सकती है। हालांकि यह माना जाता है कि अगर नौतपा के दौरान पृथ्वी पर बारिश होती है तो यह अच्छे मानसून का अनुभव नहीं करेगा। चूंकि रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, इसीलिए खुद को हाइड्रेट रखना आवश्यक है। पर्याप्त पानी पिएं और अन्य ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। सूरज की किरणों के सीधे संपर्क से बचें और पृथ्वी पर पौधे और अन्य प्राणियों की देखभाल भी करें। भीषण गर्मी अभी इसलिए पड़ रही है सर, ये ज्येष्ठ जो महीना है, ये ज्येष्ठ महीने के अंदर ये नौतपा जो है वो चालू हो जाता है और वो नौतपा आज जो 25 तारीख है यहाँ से चालू होगा, क्योंकि सूर्य रोहिणी नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाता है और आज से लेकर के 9 दिन तक कंटिन्यू जो है ये इसका नौतपा का ये प्रकोप जारी रहेगा और भीषण गर्मी पड़ती रहेगी। इसके लिए यही है कि जहाँ तक हो सके इस गर्मी से बचने के लिए पूरे जन समूह को वो रखना चाहिए कि भाई इस गर्मी के अंदर ज़्यादा बाहर नहीं निकले, और निकले तो अपनी पूरी व्यवस्था के साथ में निकले। इसके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियों का डर भी रहता है, इसलिए ये नौतपा जो है जस्ट महीने में